नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने JMD किसान यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया के क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, कितने का आपका मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या सच्चाई है इसके और क्या फायदे हो सकते हैं नैनो यूरिया और ये दानेदार यूरिया में क्या अंतर है, क्या किसमें कितना फ़ायदा है, किसका फ़ायदा है, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दोस्तों आज मिल जाएगी। आप वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि नैनो यूरिया जो लिक्विड वाले यूरिया आधा लीटर में कंपनी को कंपनी बना रही है, बनाने जा रही है, बना चुकी है और इसका सर्वेक्षण लगभग कंप्लीट हो चुका है और वह अब किसानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में कंपनी लगी है। तो इसकी पूरी सच्चाई किसान भाई जान लें और ये जान लें कि इसका इसमें कितना फ़ायदा है, किसानों का फ़ायदा है या कंपनी का या सरकार का, जो भी फायदे होंगे वो सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। चलो चलते हैं, चर्चा करते हैं। एक बोरी खाद की जगह सिर्फ आधे लीटर लिक्विड से ही काम चल जाएगा, ऐसा कंपनी का मानना है। इफ्को ने बनाया है नैनो यूरिया क्योंकि इफ्को कंपनी खैर प्रोडक्ट तो अच्छे अच्छे निकाल रही है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा योगदान और सरकार के प्रति भी इफ्को कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इफ्को का दावा यह है कि नैनो यूरिया तरल को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी व असरदार पाया गया है। इसके प्रयोग से फसलों में पैदावार बढ़ेगी, 100% पर पैदावार बढ़ेगी, दानेदार यूरिया से अधिक पैदावार रहेगी, दानेदार यूरिया से जमीन में पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार होगा। और इसमें क्या होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता किसानों की बढ़ेगी आय, यह कंपनी का मानना है। जल्द ही बाजार में आएगा यह प्रोडक्ट। इफ्को ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है, इससे फसलों में पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जैसा कि बताया है कंपनी ने कि एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधा लीटर नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफ़ी है, क्योंकि यूरिया लाने ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। अब ये आधा लीटर का एक एकड़ का डोज होगा, यह किसान आसानी से पैकेट में धर करके आराम से घर ले जा सकता है और छिड़काव कर सकता है। रिजल्ट उससे बेहतर होगा और आमदनी से बेहतर होगी और बचत होगी, लगभग इसमें लगभग 10% पहले से इसमें बचत हो जाएगी किसान भाइयों की। इफ्को ने ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में 50वीं वार्षिक आम बैठक के प्रतिनिधि महासभा के सदस्यों की उपस्थिति में इसका ऐलान किया है। मिट्टी में यूरिया का प्रयोग में कमी लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर चुके हैं और प्रेरित होकर के उन्होंने कंपनी से ये वार्ता की और कंपनी ने इस वार्ता को मंजूर करके उन्होंने एक नैनो यूरिया प्रोडक्ट नाम से निकाल दिया। नैनो यूरिया का मतलब है, नैनो यूरिया का मतलब यह है कि इसे बहुत छोटे आकार से ज़्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इफ्को नैनो यूरिया तरल 500 मिलीलीटर एक बोतल सामान्य यूरिया के कम एक बैग यानी एक बोरी के बराबर होगी। इसके प्रयोग से किसानों की लागत कम होगी। नैनो यूरिया तरल का आकार छोटा होने के कारण इसको आप पैकेट में भी ला जा सकते हैं, जिससे परिवहन व भंडारण लागत में भी काफी कमी आएगी, फसलों की पैदावार बढ़ेगी। इफ्को का दावा है कि नैनो यूरिया तरल पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और असरदार पाया गया है। नैनो यूरिया भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने तथा जलवायु परिवर्तन व टिकाऊ उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव डालते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। किसानों ने नैनो यूरिया को प्रयोग से पौधों की संतुलित मात्रा पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मिट्टी में यूरिया अधिक प्रयोग से कमी आएगी। गौरतलब यह है कि यूरिया पौधों में बीमारी कीट और खतरा अधिक बढ़ जाता था, फसल देर से पकती और उत्पादन भी कम हो जाता था, ऐसा किसानों का मानना है और कंपनियां भी ऐसा कह रही हैं। साथ ही फसल गुणवत्ता में भी कमी आती है। नैनो यूरिया फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है तथा फसलों के गिरने से बचाता है। इसकी आय क्या होगी? इफ्को का दावा है कि नैनो यूरिया किसानों के लिए सस्ता है और इससे पैदावार भी बढ़ेगी। इस तरह जहां किसानों की लागत कम होगी वहां कमाई भी ज़्यादा होगी, किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा। इफ्को का कहना है कि 94 से अधिक फसलों पर लगभग 11,000 कृषि क्षेत्र परीक्षण किए जा चुके हैं और फसलों की उपज औसतन 8% में वृद्धि देखी गई है। इफ्को का यह भी मानना है कि उनके यहाँ के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने अनुसंधान के बाद नैनो यूरिया को स्वदेशी और प्रोप्राइटरी तकनीक के माध्यम से कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र में तैयार किया है। इफ्को ने कहा है कि नवीन उत्पादन आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। नैनो यूरिया के सामान्य यूरिया का प्रयोग कम से कम 50% कमी लाने के उद्देश्य में तैयार किया गया है
और 500 मिलीलीटर एक बोतल 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो दोस्तों किसान भाइयों 2021 तक यह कंप्लीट जरूर हो जाएगा और शीघ्र ही आपकी बिक्री में आपके नज़दीकी केंद्र जो हैं इन पे आपको जून या जुलाई में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम आपको बता दें नैनो यूरिया एक बोतल की कीमत क्या है। नैनो यूरिया 240 रुपये निर्धारित की गई है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग के मूल्य से 10% कम है। भारत में हर साल करीब 350 लाख टन यूरिया का इस्तेमाल होता है। दोस्तों नैनो यूरिया के इस्तेमाल से इसकी खपत आधी ही रह जाएगी और सरकार को सब्सिडी पर सालाना 600 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। किसान भाइयों इतना सब कुछ समझने के बाद हमारे समझ में ये आ रहा है कि सरकार सब्सिडी देने में असमर्थ है, और इस समय अभी तक तो हमें समझ में आया है कि सरकार का इसमें फायदा होने वाला है।